थोड़ी जिंदगी हो गए शाला बसते रहो। बस बहुत हो गया, मेहरबानी। सलावत सारे ऊंची आवाज ना पढ़ लो। साहिबान इज्जत, अरबाब दानिश, मुहिबान वारिसान कायनात, बाशिंदगान मुल्क विलायत अमीर कायनात, बादशाह हुसैन का जिक्र है। इत्थे मैं समझो जारूब कश हाँ। जितने मदा खान बुलाए उन्होंने मेहरबानी, वो तशरीफ लाए। मैं ममनून हाँ, मैं तो नौकर हाँ सरदार दा। ऐ जितने बैठे मेरे वास्ते बहुत ज्यादा हो, बहुत मुख्तसर ड्यूटी। इंजे समझ लो कि मैं थोड़ी समाज के नूर महल के सहने च मवद्दत अली दा मसल्ला विछा के नमाज आजादी चंद्रिका तां पढ़ना चाहना। थोड़ी जिंदगी हो, मालिक तुम वस्ता रखन। बगैर इश्क अली तूने इस जमाने में, बगैर इश्क अली तूने इस जमाने में, बगैर इश्क अली तूने इस जमाने में तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं। मालिक तन सलामत रखें, थोड़ी जिंदगी हो। हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी, वारिस पाक तन सलामत रखें। जो उल्फत अली की गिजा पर पली नहीं, मोहतरम, जो उल्फत अली की गिजा पर पली नहीं, हर गिद वो कौम अमन से फूली फली नहीं। सुन लो न बोल पाएगा हर गिद वो कब्र में, जिस शख्स की जुबान का वारिस अली नहीं। हर बंदा बोले जिस ताली इमाम है। दारी यार तुसी जीवो, मेरा हुसैन तुम रंग लावे। मैं समझो के मेरी अपनी मजलिस है घर दी, ते चाहता कि इतना सोना कसीदा पढ़ा कि सारे दिन की जी हसरत कसीदे वाली है वह पूरी हो जाए। है ना इजाजत? ए मुहम्मद कागज कलम दवात मंगया नहीं मिलया, इंज गल। बतूल हक मंगया, जड़े बंदे बोल सकते हो बोलो। मैं कोई मशरूत जाकर नहीं, जो शर्त बोलो तो ताई मैं पढ़ना है। मुहम्मद कागज कलम दवात मंगया नहीं मिलया। अच्छा जेडे जुबान ना लाग सकते नहीं मिलया, जुबान ना लाखो जेडे सिर ना लाग सकते इंज कर दे। मुहम्मद कागज कलम दवात मंगया नहीं मिलया, बतूल हक मंगया नहीं मिलया। अली नू मेहराब विच तरब लगी, अली बादशाह क्या फुस तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अली दा एलान नमाज करना मैं कामयाब हो गया, दुश्मन नाकाम हो गया। नमाज दे सजदे च दुश्मन नु नाकाम करने वाला अली। तवज्जो है, हसन मौला दे जनाजे तीर लगे, हुसैन जनाजा हरमे रसूल च लै आए, रौजे रसूल ते लै आए। दफन नहीं होने देना। हुसैन आख्या ठीक है, इसका मतलब है जुल्म हार गया, सबर जित गया। मैं गारंटी दे नाल 40 साल हो गए ना बादशाह की नौकरी कर दिया, हर लफ्ज मेरा जिम्मेदारी दे नाल है। अमन जित गया, जुल्म हार गया। अच्छा हुसैन तो वतन छुड़ाया, दुश्मन बड़ा खुश है जो हुसैन बेवतन हो गया, लेकिन नहीं, छुड़ाने वाला बेवतन हो गया, हुसैन वतना वाला हो गया। थोड़ी जिंदगी हो चंगी गल्लां सुनिया, मैं अदब दे नाल करनी है। हुसैन ऐसा वतन वाला होया कि हुसैन ने उस दिन तो लग के क्यामत तक दिलां च अपने अपने डेरे बना लाए। इंज गल, हर शरीफ दे दिल च हुसैन दा वतन आबाद हो गया। अच्छा मैं फिर हुण एक मिनट की तकलीफ देनी। मुहम्मद कागज कलम दा वाद मंगया ना मिलया, बतूल हक मंगया ना मिलया, अली मेहराब तरब लगी, हसन दा जनाजा वापस किया, हुसैन तो वतन छुड़ाया। जदों हुसैन तो वतन छुड़ाया, हुसैन दश्त करबला च आ गया, एक पासे लखा एक पासे 72। ऐ तवज्जो है मेरी गल, मैं ठीक आ करा, कोई मुकाबला छुड़दा तो नहीं ना। एक पासे लखा मोहतरम, एक पासे 72। 72 ने साबित किया ए लखा फना है, 72 बका है। थोड़ी जिंदगी होगी इंशाल्लाह जी। भाई मैं मजमे बड़े वेखे, दादा बड़िया लिया सारी जिंदगी, लेकिन मैं चाहता पढ़ा ऐसा जरा याद करो तो दुआ भी करो जो एक सबक आई। लखा फना
बहत्तर बका, बहत्तर है जिंदगी दा नाम। बहत्तर क्या है बोले जे, किस क्या नाम बहत्तर क्या है? बहत्तर है जिंदगी का नाम। ऐ कदी किसी मेडिकल लाइन दे बंदे डॉक्टर नु पुछ लवो, ए अगर एक मिनट च बहत्तर बार नबज धड़के दिल धड़के समझो जिंदगी ठीक है। बहत्तर तो घट जावे तां भी खतरे च, बहत्तर तो वध जावे तां भी जिंदगी खतरे च। इसका मतलब बहत्तर ने इंसान दे दिल ते कब्जा कर लिया, तुहाडी जिंदगी होवे यार दिलां ते हकूमत कर ली। बहुत खूबसूरत बातों के बाद ए दो सत्रह खनका करबला जाके, दश्त करबल में खड़ा सोच रहा है इस्लाम, भी मोहम्मद भी इनकार होया, बतूल भी इनकार होया, सारा कुछ होया, दश्त करबल में खड़ा सोच रहा है इस्लाम, फायदा क्या हुआ काफिर को मुसलमान करके, और थोड़ी जिंदगी हो जाए यार। मैं थोड़ा ममनून हाँ, इतना सोना पे सुन दे, मेरा ख्याल थोड़ी जी सर्दी बन गई है अज तो, कोई मौसम की गल है। मैंने कसीदा अपना एक बड़ा पुराना याद आता है, वो तुम्हें भी याद हो सी, मातमी पे मौसमों का क्या असर, मातमी का साहिबा हुसैन है ना। अब देखे जे मैं बहुत जल्दी कसीदा पढ़ना का, अल्लाह ने आसमाना दे शामियाने तने, जमीन का फर्श बिछाया, जदों जमीन का फर्श बिछाया ना तो जमीन मुतजलजल है, हिल रही है मेरा अजीज, करार नहीं पकड़ रही जमीन। जिबरील आखन का मेरा अल्लाह अजीब बात है, जमीन का फर्श से बिछाया ही लेकिन ये जमीन मुतजलजल है, हिल रही है, करार नहीं पकड़ रही, भी जिस दे दिल चली है वो तो बोलेगा लाजमी। हाँ जी मालिक करना कि अल्लाह फरमाया जमीन नु करार देने वास्ते कम कर, मालिक केड़ा? अल्लाह फरमाया जमीन दे ऐन सेंटर च लिख दे अली। आए हाय 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 तुहाडी मोहब्बत कुर्बान, यो हक बनदा है जमीन दे ऐन सेंटर च लिख दे अली अली। जिब्रील अल्लाह है तो ठीक है अली लिख दे, लेकिन जमीन है चलन फिरन वाली जगह, नाम लिए है बहुत ताहिर और मुताहिर, यह है मुकद्दस नाम, जे मैं लिख देवा इस नाम की बेहरमती ना हो, ठीक है अल्लाह क्या नहीं नहीं बेहरमती नहीं हो सकती, क्योंकि अली मेरा ही नाम है, भी जेडे बंदे अजे तक खामोश बैठे हो मेरा ही नाम, मैं कसीदे तक पहुंच गया मेरा ही नाम है, मैं इसका इंतजाम किया, जो अल्लाह ने इंतजाम सुनाया जिबरील तुम तो सुनावा, मैं जिदा उच्चा नारा सुनाओ कि मैं सोना कसीदा पढ़ांगा। अल्लाह करे जिस जगह नाम अली देर में लिखा होगा, 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 दोनों आलम का उसी से सजदा होगा। यो हक है हर बंदा बोले, मिलके 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 जियो, मैं बिस्मिल्लाह कर लवा, जिस जगह नाम अली दहर में लिखा होगा, दोनों आलम का उसी समत ही सजदा। देखो बड़ी बड़िया तकरीर हुई सारा दिन, अकसीदा मैं ही सुना तुम सुना है, हैं? वाह वाह। दोनों आलम का उसी समत ही सजदा होगा, तेरा रजबुल मुरजब खालिक कायनात ने
ذات واجب نے ٹیلی فون کیتا کسنو اپنے مشرے خاص نو پریشان ہوتے جو غلام مرتضیٰ چھنوی مدت ہو گئی تین سن دیا تو مشیر خاص اللہ دا کنو بنا رہے ہیں تہاڈی عزت دی قسم ہے پچھلے بندہ دی خاموشی دی قسم اللہ دا مشیر خاص ہے حضرت عمران علیہ السلام تہاڈی زندگی ہے تہاڈی زندگی ہے سچی مشیر خاص ہے عمران اللہ نے فون کیتا اے عمران تو میرا گھر دا کنجی بردار چابی بردار میرے گھر دا متولی اے گل سن لے اج ہے تیرا رجب المرجب تو ساریاں گلاں جان دے میں تینو اللہ آکھ رہا سارا انتظام تیرے مشورے دے نال کیتا ہے لیکن اج میں آکھ رہا میرے حرم نو چھوڑ اپنے گھر جا اپنے حرم نو آکھ اللہ آکھ رہا ہی کعبہ کو قبلہ بنانے میں علی کافی نہیں کعبہ کو قبلہ بنانے میں علی کافی نہیں فاطمہ بیت اسد تجھ کو بھی آنا ہوگا جیو یہ حق ہے آئے داری تو آڑی زندگی ہوئے یہ یقین جانو دن رات جلسے پڑھ پڑھ کے سفر کر کے تھکا ہویا اب میری تھکان تو اڑی زبان وچ بند ہے یقین جانو دی تھکان مک گئی فاطمہ بنت اسد تجھ کو بھی آنا ہوگا یہ بندہ آکھن کا غلام رضا جھنوی میں کہا جی اکے تو بھی ذاکر ویکھ لو قبلہ صاحب آ گئے تو خطرے دی خبر دینی نہیں نہیں اچھا چل امان امان واہ واہ صدقے غلام رضا جھنوی میں کہا جی وہ تم ہی ذاکر رکھو پتر نے بھی ذاکر بنا لیا میں کہ جی شکر الحمدللہ میں کہ تو تے صرف یا سر تے پریشان ہے میں کہ معروف رضا نے بھی ذاکر بنا رہا اچھا جی میں کہ ایک پتر میرا دو پتر ذاکر میں آپ مدا خان ایک پتر میرا بڑا شاعر یا سر شاعر گھر دے نکے نکے بچے شاعر ماتمی اوکے جھنوی توں شیعہ تسی گلاں بڑیاں کر دے ہو میں کہ کوئی گل سنا لے کہ کوئی چنگا کام کر میں کہ کیڑا کہ کسے پتر نو حافظ قرآن بنا میں کہ جو کیوں کہ میں تے اپنے پتر نو حافظ قرآن بنا رہا میں کہ ایتھوں کہ ایتھوں تھکے بیٹھے ہو یار نہیں نہیں غلام رضا جھنوی میں سنے آئے ایک بچہ حافظ قرآن ہوئے سارا گھر بخشیا جاندہ ہے توجہ ہے سارے دی ایک گھر جو بچہ قرآن دا حافظ ہوئے سارا گھر بخشا جاندہ ہے میں کہتے نو پتہ نہیں گل ٹھیک ہو سی ایک حافظ قرآن ہوئے گھر بخشا جاندہ ہے گھر وچ ایک پتر حسین دا ماتمی ہوئے سات نسلہ بخشیاں جاندی ہیں تسی جیو یار تہاڈی زندگی ہوئے اے ہاتھ ہی لائے ہو جلایا کرو نا بوری طاقت نال بولو ہے داری کہ غلام رضا جھنوی تم ہی گلا مڑیاں کرنا تو انہوں شیعہ نے چھو آپ بڑے ہوں دنے میں کہا جی جی اکھے گل سن لائے میں قرآن پڑھ دا میرے پتر پڑھ دے گھر والے پڑھ دیں لیکن گل سنا میں کہا پڑھ رضا لیکن سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں تم سے ناراض جو بسم اللہ کا نکتا ہوگا کیا بادشاہ بندہ بولے ہائے داری تہاڈی زندگی ہوے بھی تو سونڈ والے جی میں الباس دا سونڈ جتھے ویکھے نا بڑا سونا ہے ہویا جو الباس والا میں کاٹھ گڑھ بانا جب پڑھیا بھی کمال دا سونڈ ایتھے بھی سونا ذرا پچھلے دی آواز تھوڑی جی ودھاویں اگلے دی بھی ودھا ہیں تجھ سے تم سے ناراض جو بسم اللہ کا نقطہ ہوگا بغداد شہر انہیں دواری تو واپس آیا شہر وے کیا آیا مالک تو انہوں بکھاوے بغداد شہر علی ولی اللہ چوک ولایت علی دا بہترین کار کن نام ہے بہلول صدقے صدقے کسی جیوہ بھائی
मालिक सलामत रखे। बच्चे कठे किए निके निके पांच पांच साल दे बच्चे। अच्छा जी मैं जी बहलोल अजीब गल है ये बच्चे पंजा पंजा साल कम पंजा दे ते पंजा दी लोड़ है मैनू। चल अजीब पांच कतारा बनाई हुई वक्त हाकिम आया ओ बहलोल आदा तमीज नाल बोल आहा। मेरे पास वे कदा नहीं हम आंख मुनाफिक से मिलाते ही नहीं है बंदे बैठे हो यार हैं वाह वाह ये क्या है निके निके बच्चे पांच कतारा सबक पढ़न अली हक के अली हक के अली हक के अली हक के बहलोल दे हम आंख मुनाफिक से मिलाते ही नहीं है। है कि भाई बहलोल गल गड़िया करे मैं बा उसूल हूँ बा बे उसूल खोला है सखी से करके इजाजत वसूल खोला है तुम्हारे शहर के बच्चे यहाँ पढ़ाता हूँ ये मैंने इश्क अली का स्कूल खोला है। शाबाश शाबाश हैदरी थोड़ी जिंदगी हो मैं गया आलमे तस्वर गिरता सुकलम नाल बहलोल साहबी आली मदद पीर मौल आली मदद मिट्टी दिया ढेरियां एक बोल ले खिलाया बहलोल पैराडाइज प्रॉपर्टी डीलर एंड हाउसिंग सोसाइटी। मैं पढ़िया अच्छी गल है भाई थोड़ी इज्जत के समय बैठा रहा कोल बैठा रहा मैं तो जन्नत लैनी नहीं सी जो जन्नत अगी मेरे को है बोलो ना बंदा अली वलीला पढ़ लवे जन्नत है ना उसके कोल लालच त्यो करे जिसके कोल नहीं थोड़ी इज्जत के समय मैं माहौल वेख्या बहलोल का केड़ा माहौल आई एक नारे के इवज देता है जन्नत में मका एक नारे के इवज देता है जन्नत में मका कितना बहलोल तेरा खुल्द में रकबा होगा आप जी हैदरी थोड़ी जिंदगी हो पढ़ो नमाज सारे भाई हैदरी सदा जी हो लो ए शेर पढ़ के ना मैं उतराए तो तुहानू तैयारी कराइए शेर में हुण पढ़ना है हैवान है वो बंदा जेड़ा मारफत आले मुहम्मद रख दो या मुर्तजद नू हैवान समझे हाय हाय थोड़ी जिंदगी में बात ठीक कर रहे यार हैं तवज्जो चाहना हैवान है वो बंदा जेड़ा मुर्तजद नू हैवान समझे जेड़ा मुर्तजद नू बोलो हैवान की होता भला जिस दे कोल अकले सलीम ना होवे जेड़ा अकल तो दूर होवे जेड़ा तो किसी कोल अकल है वह हुसैन नू मनदा है बेअकले हुसैन नू मनदे ही नहीं तवज्जो है मेरे पास गुलाम रज़ा शनवी ये मुर्तजद है कि इस दशा डसा पूरी तवज्जो दा तालिबा बतूल हज़रात एक लकब है हिजाबुल्ला किबला हिजाबुल्ला अल्लाह का पर्दा हिजाबुल्ला अल्लाह का पर्दा। शेर मैं इस वास्ते ऐसा गल कर रहे हैं जल्दी ना मुका करा कि शेर दी समझ आ जावे ते याद रह जावे दुआ लाजमी करो हिजाबुल्ला एक पासे हिजाबुल्ला एक पासे मुर्तजद बिस्मिल्लाह सलावात सारी ऊंची आवाज ना पढ़ लवो बाबा जी मैं गल आखीए हैवान है वो बंदा जेड़ा मुर्तजद नू हैवान समझे ये नूर है लेकिन लिबादे ओढ़ के आए तवज्जो है ना जो असी वेख सकीए असी ते आ मलकल मौत नू वेख के मर जाने इन्हां नू वेखण ते बड़ी दूर दी गल ना तवज्जो है सारे दी बतूल है हिजाबुल्ला फातिमा बिनत असद तुझको भी आना होगा रकबा होगा शेर में आखना है मुर्तजद दी शान क्या है शान मुर्तजद तवज्जो भाई चादर जहरा में खाता है जो हर रोज गिजा चादर
आ मैं शेर जाया नहीं करना, अल्लाह की कसम खून लगता बड़ा। एक सलवात पढ़ लो बुलंद आवाज नाल, अच्छा जी सलवात पढ़ दे रहो कोई गल नहीं, कितनी देर में محمد اگر نہیں تو میں سناوا کسی کا ایک سلوات پڑھ لو بلند آواز نال میرے مالک پاک دی ذات سلوات دی سعادت حاصل کرو اللہم صلی اللہ ہو گیا تھی آ جاؤ اچھا جی ایک بار بلند آواز نال صلوات پڑھو ایک بار سارے بولو حیدری پھر بولو حیدری غلام رضا شنوی شان مرتجد کیا ہے پوری توجہ دے طالب ہاں بھائی چادر زہرا میں کھاتا ہے جو ہر روز غذا چادر زہرا میں کھاتا ہے جو ہر روز غذا اس نے توحید کو نزدیک سے دیکھا ہوگا حیدری میں بسم اللہ کر رہا ہوں مالک سلامت رکھنا علی بن ولی اللہ کیا بات سارے بولو سارے بولو ہائے داری کوڑی زندگی ہوئے مالک سلامت رکھن آل محمد سلامت رکھن یہ انہوں دی گلی دنیا دی چیزاں بنی ہیں نا
ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਵਨੀਆਂ ਲੋ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਉਸਨੇ ਤੌਹੀਦ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਛਣਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਤੂਲ ਦਖਲੋਤਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿ ਮਖਦੂਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਛਣਵੀ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਜਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਜਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਅਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੈ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛੋ ਗੁਲਾਮ ਅਜ਼ਾ ਛਣਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬੇ ਆਸ਼ੂਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੇ ਅਸਹਾਬ ਕਹਿਆ ਸ਼ਬੇ ਆਸ਼ੂਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੇ ਅਸਹਾਬ ਕਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਬੀਰ ਪੇ ਮਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੌ ਅੱਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਬਾਈ ਸ਼ਬੇ ਆਸ਼ੂਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੇ ਅਸਹਾਬ ਕਹਿਆ ਸ਼ਬੇ ਆਸ਼ੂਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੇ ਅਸਹਾਬ ਕਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਬੀਰ ਪੇ ਮਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਪੇ ਮਾਲਕ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਂ ਸਲਾਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ ਲਓ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਲਟਨੇ ਕੇ ਲਈ ਖੈਬਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜੀ ਹਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਾਲਾ ਕਿੱਠਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਾਲਾ ਕਿੱਟਾ ਰਹੀ ਬਿਸਮਿਲਾ 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 ਰਹੀ
मौला तू रहे मौला तू करे बिस्मिल्ला हर बंदा बोलो अली कलंदर बिस्मिल्ला ए खुदा तूने हमें चौदा किए वारिस अता बिस्मिल्ला जियो थोड़ी जिंदगी हो मिल गए मिल गए मिल गए मैं बिस्मिल्लाह कर लवा ए गुलाम अर्दा जनवी पुत्र नाल लेके नमाज मवद्दत रिकात आखरी पढ़ रहे हैं एडे सा बार बार बिस्मिल्लाह 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 पढ़ दें तेरा मकसद क्या है मकसद सामना जाना लान तो कहे तो किसी खुद को बचा सकता नहीं लान तो के तो किसी को बचा सकता नहीं बंदगी में से अली तू हटा सकता नहीं बंदगी में से अली तू हटा सकता नहीं छोड़ दे झगड़े सब अभी बदल जा मौलवी बाय बिस्मिल्ला नुकता है खुद मौला अली है अगर तू बाप का तू बाप का नुकते बिना पढ़ के दिखा बिस्मिल्ला नारा हैदरी बड़ा लम्मा आख्या ते या अली सिर्फ चौं पंजां बंदे ही आख्या बड़ी पूरी ताकत नाल बोलो हैदरी अच्छा मीसा में तमार कहते थे जुबान कटने के बाद मीसा में तमार कहते थे जुबान कटने के बाद मैं अली पे गुफ्तगू करने के काबिल हो गया किड्डा सोहना माहौल बना मेरा दिल है कसीदा एक नवा होर पढ़ा पढ़ा कसीदा अच्छा कोई भट्टी साहब ए तर्ज पढ़ते होंगे बुजुर्ग जाकर भट्टी साहब जाकर हले बै जनाब अहमद बख्श भट्टी साहब आल अल्लाह मकाम हो तो मैं क्या गुलाम रजा जनवी चलो मम्मी तर्ज पढ़ दिया क्योंकि मनु भी हूं बुजुर्ग आखन लग पैने ठीक है ना मैं बुढ़ा नहीं होया बुजुर्ग हां बुढ़ा नहीं बुढ़ा बंदा उदो हुंदा जदों हथों दामा दी अली छुट जावे तो मेरा दिल है पढ़ा कसीदा भाई दोवें हाथ बुलंद करके तेरा बुलंद नारा सुनाओ मेरे वारिस अली बादशाह दे नाम दा आम जमाने भर नो खुदा दे गए नो फकत है दरदा सहारा हो दे मैं बिस्मिल्लाह कर लवा मैं ममनूना जमाने भर नो खुदा दे गए नो फकत है दरदा सहारा हो जमाने बैनो खुदा दे गए नो फकत है दरदा सहारा हो दया जमाने बैनो खुदा गए नो फकत है दरदा सहारा हो दे जमाने बैनो खुदा गए नो जमाने बैनो खुदा गए नो फकत है दरदा सहारा हो दे।
असा शियां दा ते कुल नबियां दा अली होवे ते गुजारा होंदा। शाबाश, यो हक है यार। हर बंदे बोले हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर लवां, असा शियां दा ते कुल नबियां दा अली होवे ते बोलिया करो अली होवे ते गुजारा होंदा है। मैं सूरज नूं आख्या हुण ते डुब गया ना, मैं क्या सूरज जी आली मदद, मौला आली मदद, मैं क्या तू चढ़दा है लहंदा है, तू नहावे फसलां ना पकन, निजाम ना चले, बंदे भूखे मर जान, फुल ना खिलन, एडा सा तेरा हाकिम कौन है? सूरज गल करी आख रहा है, मैं अपनी मर्जी कदी नहीं करदा, मैं अपनी मर्जी कदी नहीं करदा, हुक्म मैं देवी अली दे चलदा। बस यो हक है यार। हर बंदा बोले हैदरी। मैं क्या सूरज एडा सा निजाम कैसा है, कम की मैं सूरज गल करी आख रहे हैं, मैं अपनी मर्जी कदी नहीं करदा, मैं अपनी मर्जी कदी नहीं करदा, हुक्म मैं देवी अली दे चलदा, हुक्म मैं देवी अली दे चलदा, जदों मैं चढ़दा जदों हाला दा मैं को है दरदा इशारा हो दे। वाह 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 वा। ए अच्छा ला इमाम दे रोजे दे नाल मासों जा के मिल गए जियो। या अली या अली, या अली तेरे जाना वाले की, या अली तेरे मुनकरे पे लाना, बेशुमार तेरे मुनकरे पे लाना, बेशुमार आए दारी तुम्हारी जिंदगी हो गई यार, खुश हो गया, मुतमईन हो गया। सही ज्यादा दुआ करना, बड़ी मंजूर मजलिस, शेर माया खाना है ते केड़ा बंदा जेड़ा कसम चाह के भी चुप कर जावे, मिंबर गवाया कोई बंदा खामोश ना रहेगा, मस्जिद नबवी तख्त उते हसना इंदा नाना खिताब फरमा रहे हैं, इनु हसना इंदा बाबा या काबे दा काबा या बामे अली छोटा भिरा ही मोहम्मद उठ के तादीम करके अली दा मत्था चुमया। करा यार खैर हो या अली आखण लैंदी है, अली बह गए कॉल, एक बंदा उठा सुनो नबी, अगर बंदे ने पता करना होवे फुला कौन है, थोड़ा फरमान है अपनी मजलसानू महफिलानू जीनत बख्शो, मेरे भी अली दे जिक्र दे नाल मौला महफिल च कई किस्म दे लोग आउंदे न, फुलाओ दिन नबी गल करिया करें, किसे दा शजीरा जे लबना चावे हा, किसे दा शजीरा जे लबना चावे, जिक्र है दर्दा उठा करवावे। तुसे जियो यार, जन्नत नहीं बन गई, बोलो बोलो अली लाली कलंदर। बिस्मिल्लाह कर लवा अदा सुनना नबी, महफिल च कई किस्म दे लोग आंदे न, कई कई जात दे लोग, ए दसाओ नबी गल करी जा कराए, किसे दा शजीरा जे लबना चावे हा, किसे दा शजीरा जे लबना चावे, जिक्र है देदा उठा करवावे, जिक्र है देदा उठा करवावे। बिस्मिल्लाह कर लवा, वाह वाह सबकी बाकी सदे मन लो, बड़ी जल्दी कर रहे हैं, नबी गल केड़ी समझा रहे बंदियां नूं। हां भाई, किसे दा शजीरा जे लबना चावे हा, किसे दा शजीरा
राज लबना चावे जिक्र है देदा उठा करमावे जिक्र है देदा उठा करमावे हलाली केड़े हरामी केड़े अली दे ना तो नतारा हो दे लुट गए शरीफ शाम हो गई है मावा दियां बड़ियां गरीब पुछ रदा गुरबत च केड़ा फर्क है मां नू लोगां घर आके मारे आए धी नू घर बुला के मारे आए सदा बस दे रहो टाइम थोड़ा है बादशाह मदा खान ज्यादा रोज आंदे हो मजलसां सुनदे हो करवेंदे हो पढ़दे ज़ाकिर मैं बतूल दे पुत्रां दा छोटा जिहा ज़ाकिर हां तेरी अख दी तस्बी मिटनी जात दा ज़रिया है ओ यार घरों टुरदे इयो नियत लाए के टुरदे बतूल दे कुठे पुत्र दे मुकान दे आवणी है सिर्फ एक बंद मैं पढ़ना ही आए सारे आए बतूल नु मुकान दे आवण चला डुके पासली बीबी मंजूर फरमावी हर एक तू पहले ईसा ने आजहरा को परचाया ते मैनु कसमे मेडे उमतिया ने तेडी धीते हाथ नहीं मैं बिस्मिल्ला कर लवा मैं बिस्मिल्ला कर लवा जेडी सोनी हाय की आई जाया दे मैनु कसमे मेरे उमतिया ने तेरी धीते हाथ छला बस्ता रहे कदी धीया दे काम में चंदा रहो मैं यार इसा गल कड़ी की थी बस्ता रहे अदब तेरी दी को मार है ओ मुसलमान नाले शार बशार फिराया ते जड़ी समदी आई प्यू दे सीने ते यूनु घोड़े आनाल अरमाने तेरे प्यू दे उमती तेरिया दिया नु मरे दे रहे हर कुया दरिये पत्थर मारो जिन टुर डडा निया दा बागी दी बेड़े बहरुल मसाइब बंद हो गया अब मैं गुजारिश करूंगा बहरुल मसाइब आज के पूरा दिन की मजलिस आखिरी मरहाइल में दाखिल हो चुकी है और मौला के मदा खान भी तशरीफ ला चुके हैं मेंबर पर तशरीफ फरमाए किसी तारफ के मोहताज नहीं सैयद उज़ाकरीन बहरुल मसाइब शहनशाह फजाइल मसाइब वकील आले मोहम्मद मुहक्के के दौरा जनाब किबला सैयद गयूर साबिर बहल तशरीफ फरमाए उनसे कबल चंद मिनट की हाजिरी मौला का मदा खान है जाकिर मादी अब्बास बलोच लालिया अपने मखसूस अंदाज में नौकरी पेश करेंगे कवारी सेटिंग कर ले आ जा
बस आवे तो शुरू कर दो, टाइम कोई नहीं। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زد فزدنی اللہم زینہم بے لسانی بحق لسان اللہ علیہ السلام اللہم قل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ الساعات وفی کل ساعت من سات لیل و النہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و آئیناً حتی تسکنہو ارزقتاً و تمتعہو فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بلند صلوات سارے صحبان ایک اپیل کرنی ہے بہت ہی بڑے باپ دے بیٹے سیزادِ غزور شاوروں دی مالک زندگی دراز فرماوے تشریف گھنائن شام اومن علی کو لمبی مجلس نہیں پڑھنی جتنے جوان تے بزرگ پچھن بیٹھے ہو نیازِ حسین شام اومن علی نیازِ حسین قدم قدم اگاؤں جو سائیں اندر ذکر شروع کری جیڑا مکانی بن کے آیا پچھن عباسی نیازِ حسین اٹھ کے سامنے آسی بڑی مہربانی جوان تسا مکانی بن کے آیا تو اڈکالا لباس میرا چنویر علی اکبر دا ماتمی ہے قدم قدم مہربانی گئے گا مہربانی سے جی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للكافرين پڑھو صلوات محمد و آل محمد والسلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سونے نبی دی شانت سونی صلوات ووسیعہ وزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الولین والآخرین علی ولی دی شانت بلند صلوات الذی لہو شمس و مراتائن ضربت و علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت سقلائن نعرہ حیدری چایا میا سجاد سکینہ دا اذان مل دی پئی ندیم عباس جی میں حق بندائی تیرے علاقے علیہ انجھ ہائے نہیں کی تھی
इवें लिखे आए कुल उलमावां जेड़े सैयद बैठे हो के लिखे आए पईया घास कड़िया दे हायो चुमदियां हन अकबर दियां फुफियां कोई जेडा गरीब होवे पिंडी घे पालिया मर वेंदा है फिरा ते पुत्र दे कातिल तो मंगदा काई शै नहीं सैयादादे उंदी शहादत पढ़नी है जेड़ी शाम च रोल के मर गई है मैं उंदी पढ़दा जेड़ी प्यो दे कातिल दियां मिन्नतां करेंदी रही है दर्द केड़ा खा गया मातमी हाथ प्यारा न कर रहे वदा पुछ दे प्यो दे कातिल तो किथ भैन दी कबार बनावा ओ सजा दिया धाए मैनू नहीं भूलना हुसैन दी किसे दा मोहताज न करी एक जाकिर दे जबानी एक जुमला सुने है उआ सुनो ते मैं तुन एक वैन सुनावा सियालकोट एक आलिम पे पड़दाई भाई जितने जख्म सजाद दी कंड ते आना ए पिंडी घे पे ते अजादारी द मरकजे तुसा हाय न करे सो तो कौन करे सो सर चवाए जेड़े मुकानी बढ़ के आए बैठे हो नदीम बाज जाकिर बड़ी सोहनी गल कीती है भाई जितने जख्म सजाद दी कंड ते आएन उतने ही जख्म असगर दी भैन दे सर ते आए मरहबा मरहबा लख वरिया मैं वैन करे ना हाथ ना जोड़ शाला भेणा नु नसीब होवे करबला तो लैके शाम तक शामिया इतना अली दे पुत्रों नु नहीं मार रहा जितना रबाब दी धी नु मार रहा है सारियां औखियां सारियां ढेर जख्मी आन इशारा भी ख्या है कदी मां नजरदार बैठे हो आलिम फरमाइंदे जेड़ियां अली ते अली दियां धियां ते नो आना मेरे आले पास से लिखा है शर्म ना कराए शाम आवण वाली है इंज अली दियां धियां दे हाथ बधे हो आन पिंडी घेपाला सारियां जख्मी आन सारियां औखियां जेड़ी सारियां तो ढेर औखी आई ना ओ हाई रबाब दी धी सकीना ओ क्यों औखी आई इशारे ते हाय ना निकली आवण दा फायदा ही कोनी कदरदान च पे पड़दा जेड़ी गल च रस्सी आई ना चाचू मुसरत इशारा विखाए जेड़ी गल च रस्सी आई गल च ओ दोरी किस्म दी आई भाई अल्लाह लानत करे शिमर कमीने ते जालिम दे बच्चे उआ रस्सी असगर दी भैन दे हत्थां च पवाईए तेरे हर बिस्मिल्ला करा हाथ उस पासे आन जिस पासे सजा हाथ बहु दुखदा हा ते वैण कर गया दी सजाद वेखिया वैण थक पई आई यदि आसानी पैदा करें शार्ट पे कर दे भलो वे इमाम जमाना वस्त रहे एक गल सुनो बगजूर शाह जी तुसा हुण मौला दी बारगाह चो ठीक के आयो ए मजमा हाय करे ते भावे न करे मौला तुहाडे प्यो दी कबर रोशन मुनवर फरमावे कबर रोशन मुनवर है मौला तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे ए सत्र में तुहाडे वास्ते पे पढ़दा साडे इलाके दे विच मुकवे सी मजलिस साडे इलाके दे विच दो घरां दी आपस विच लड़ाई थई है एक अमीर घर आई एक गरीब घर आई अमीर घर आलियां गरीब घर आलियां दा मस लांदा पुत्र कतल कर छोड़िया दिन गुजरते रहे चार साल दे बाद मकतूल दे निके भिरा नूं भिरा दे कतल दा बदला घिनण दा मौका मिलिया है वडेरियां मीटिंग बुलाईए नदीम अब्बास उस चौक च मकतूल दे भिरा नूं बुलाया ने जिस चौक च उहदा भिरा कतल थी आई टेलीफोन ते राबता आई बई भिरा दा कातिल फुला मकाम ते आ गया फुला मकाम ते आ गया जिहड़े ले भिरा दा कातिल सामने आवे ना पिंडी वाले ओ जिगर इच फैर मार के आखे किवें मैं दसेरे आला फेरा मारे
शाम होवन आली है, पुत नहीं कौन नदीम मातम करे सी, कौन हाय करे सी। जदा फिरा द कातिल सामने आया, इस पिस्टल बुलंद किया, बद हेठा कर लिया। वडेरिया फोन करके आगे, हां भिरा दे कतल दा बदला गिदे ही है कोई ना। उस अगे मैं रब वत मौका दे सी, वत मरे सा। उन्हें झिड़क दे के आगे, हुण क्यों नहीं मारिया। बड़ी सोहनी गल की, शिया कयामत ताई रोवणा। उस मुंह ते पिट के आखे, मैं ता नहीं मारिया, उंदे नाल निकी जई थी आ। असगर दी भैण दा मुकद्दर है, हाथ बन के आदि आई न मार, इन पुत्रां दी मौत खा गई है। मरहबा मरहबा, ए हुण करबला बनी है, हुण उन्ने हाय कीती है जिवें तेरा हक बनदा है। लखवरी आखां, हथ न जोड़ मेरा सोहणा वीरा, औखा वेला कयामत दा मनजारा। इशारा पिया करे ना इस तरीके। पानी नहीं, रात बैठा रोंदा है, शिमर मोढ़ा ला के अद्धी रात लिया के सजाद। कौन रोंदा है जिंदे रोवण की वजह तो जिंदान दियां दीवारां हल वेंदियां। शाला भेणा नू नसीब होवे, रत रो के पिया दे जालिम जबान बंद कर। ओ रोंदी है जिन मारिया बहू ने, शिमरा का सजाद को ऐसा निजाम कर, को ऐसी तजवीज कर भई तेरी भैन न रोवे। जालिम आदे पता कर क्यों रोंदी है, इमाम दी रात वधी है ते रो के पिया दिन। हिक वार ना, ओ जेंदा काला लिबास है हाय जरूर करे, हिक वार ना मेरे प्यो दा कपे होया सर लिया, मेरी भैन न रोसी। शिमरा दे सजाद, मैं जो सार घिन्ना वा, ये तेरी भैन न रोसी। तू चुप कर गया ना, थक गया, रात रो के प्या दे जबान बंद कर, वात हो सी तरोसी। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह है कबूल फरमावे। शिमराया यजीद कुल हुसैन दी पग दा वारिस सजाद आद है, उंदे बाबे दा सार देचा, उंदी भैन न रोसी। मेरा पढ़ना सौखा, तेरा सुनना सौखा। जालिम झिणक दे क्या दे, आओ जेड़ा सामने संदूक है, उस संदूक जो हुसैन दा सारे सार चाते बन के सजाद नो लिया। मर गई बतूल दियां धीयां तिनोआ, शिमर उथू न पिया जिथे जहरा कंघियां देंदी आई। मरहबा मरहबा मरहबा, गल करे ना एक बारह मुहर्रम आई, त्राए तू चार साल पहले दी गल है। सैयद जवारी करके आया, मैं उहदे कदमां ते हाथ ला के पढ़ना चाहता। बारह मुहर्रम आई, त्राए तू चार, चार एक साल पहले दी गल है। सरगोधे दे नाल शाहपुर दा इलाका है, मैं उत्थे हुसैन दे सोहणे पुत्र अली अकबर दी शहादत पे पढ़दाम। बरामदगी तू चार या पंज मिनट पहले, यकदम इमाम बारगाह दीआं दीवारां हलण लग गईआं। बानी रोंदा है मेरे कोल आ गया, हौसले नाल वैण सुन, रोंदा है मेरे कोल आ गया, मोढ़ा हला के प्या दे मिंबर ते खलोता है। दुआ मंग शाला, जलजले दा झटका ना आवे, मेरी साल दी मेहनत जाया पई थींदी। ले मेरी जबान ही चो जुमला निकला ते मजलिस मुक गई, पता नहीं तू हाय करे से या मातम करे से। मैं ठड्डा साह भर के आख्या, जलजला क्यों ना आवे, बारह मुहर्रम है, दरबारे कूफा, जैनब दी पहली पेशी है। रो रो के आदि आई, अम्मा फिजा दुआ मंग, जमीन फटे ते जैनब मर जावे, कर मातम तेरे मजहब च मातम जाए दे। सारा या सजाद दे हथां ते हालत केड़ी है, वैण करे ना, सजे दियां जुल्फां खबे, खबे दियां जुल्फां सजे, दाढ़ी दे सजे पासे अली अकबर द खून है, खबे पासे अली असगर द खून है। प्यू दा सिर चुमकिया, दे बाबा अखां खोलना, बाबा शाम विच मैं गरीब भूल गया। जेड़े मातमी जवान हंज किस्मत ना लांदी है, हा इंज करें जिवें शाम वाली सैन चांदी है। और रोवण आले मैं इंज पढ़दा रहना, हुसैन दी अख नहीं खुली, खुले ज़ैनब दे वाल, सैयदा दे अखां खोल, शाम दे लोग बागी सदे दे, सैयदा दे बाबा मैं डोडे के शाम च मेरिया भैणा रुल गईया। रोवण आला तेरी हाय निकलिए, हुसैन दे हाय सजाद, रब दे नां ते दसा जवानी च दहाड़ी दा रंग तब्दील क्यों होई। जेड़े अलमाले दे नौकरो हाथ प्यारा न कराए, प्यो दमो चुम के प्या दे डिठी मां टुरदी। हायो शामिया वेचा मेरिया अखिया रंग, ओ बदलाए सैयदा दे डिठे नचदे कातिल।
मरहबा मरहबा एक बिस्मिल्लाह करा हाथ न जोड़ मैं नौकरा शला भेणा नो नसीबो में रोवण लिया मडाई मां बाबे दा सर जाके भेण दे नेड़े आया सैयदा दयादी जो हावे अखा खोल अकबर दा बाबा मिलन आई ओ पिंडी घे पालिया वैण कर गया दिए सजाद मैडे बाबे दा सर मैडे हाथ रख चा रो रो के पैया दिए सजाद मैं प्यो नो कोई कर बला दा हाल सुनावा ओ रोवण आलिया पहला ही आज अवैण की ते शाम दी नगरी हल गई है प्यो दा मो चुम के पैया दिए अखा खोले आधी रोल गई है हायो सफरा वेचा इस मत दा पा कनगीना रो रो के पैया दिए सब छोटी कह देना हायो देना हाय ओ मेरा भूल गया ना मसकीना इशारा वेखाए मातमी नाल गले रोंदिए ते रो के आ दिए जेड़े ईद दे दी सुभान अल्लाह लखवरिया का मैं नौकरा मेरा भिरा मैं आखरी वैण करे ना रोवण लिया चौथा वैण तनाई कीता अकबर दी भैण चुप कर गई है आलिया द वैण आया सिर चा भैण मर गई है रोवण ले जवानो मैं डई माम एक कदम चैंद है पांच पांच वारी मिट्टी ते झाण पौंद है जेड़े अली अकबर दे मातमियों तुन ज़ैनब दी शहादत दा वास्ता हाथ न कराए रोवण लिया सजादा के भैण दी झोली चो बाबे दा सर चाया ओ पिंडिया लिया शाम होवण लिए सर कला नहीं आया लाश ना लाइए सैयदा दे कान लाया मेरी भैण दा मैया त हलिया है रोंदी है ते रो रो के आ दिए मेरी कबर दा वीर ओ निशान मिटावे तेरी मिन्नत करें दी पैया रो रो के आ दिए मैनों डर लगदा है सुभान अल्लाह शाम दी गली चाया है औरत आ दिए कौन कित्थों दा वसदा है सैयद रो रो के आ दए मैं को लोगो ओ सजा मातम करो जेड़े जवानो आ देना मैं मोई ओई भै न चाई वैना हाय गठड़ी नहीं ओ जनाजा है ताई हां देना ललाई वैना रोवण लिया औरत आ दिए हाय वे मुसाफिरा रब दे नाओ ते दसा कित्थों दा वसदा है शाम दा टाइम है वतन ते बह के बेवतना नु रोवण लिया सजादी रात वद पईए रो रो के आ दए मुसाफिर मैं मदीने दा है मैं थे इतनी ओ गरीबी है हाय उन्हा कड़िया हाय रसिया ना लभैन पानी ओ समाई वैना आखरी वैने रोवण लिया सजाद अकबर दे हथा ते भैन दा जनाजा रखिया है अकबर दा वैन आया हाय सकीना जख्मी बहुए अल्लाह दे नाओ ते दसा तेरा चेहरा जख्मी क्यों है अकबर दे गाले च भैन ने बाइया पाइया रो रो के पैया दिए मैं प्यू दे मुंदो वे दी हमा ओ मैं को शिमर तमाच मरेंदा जी मेरा फसल है मेरा कुर्सी चाहो मैं लान दा बॉस फेल मेरे पास सही गोल पूछ ए कपड़ा धन्यवाद है बाबा अच्छा
अब मैं गुजारिश करूंगा, मुल्तमिस हूं वकील आले मोहम्मद, तमाम हजरात से गुजारिश है, पिंडाल में काफी जगह है, तमाम हजरात इबादत में शरीक हो जाएं और अंदर तशरीफ ले आए, काफी जगह खाली है और सामने खड़े हैं मेन गेट पर, मेहरबानी करके तमाम हजरात पिंडाल में आ जाएं, मजलिस की जीनत बन जाएं। अब मैं आखिर में गुजारिश करूंगा, मुल्तमिस हूं, सैयदादा किसी तारफ के मोहताज नहीं, वकील आले मोहम्मद सैयदुल वाहिदीन शहनशाह फजाइल मसाइब मुफस्सर तारीख करबला जनाब किबला जवार जाकिर सैयद गयूर साबिर बेल अपने मखसूस अंदाज में बादशाह की नौकरी पेश करेंगे। बावाज़े बुलंद मिलके यकजुबा होके नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, बावाज़े बुलंद मिलके यकजुबा होके नारे हैदरी अली, नारे विलायत अली अनवली अल्लाह, सारे मिलके जवाब दो, नारे विलायत अली अनवली अल्लाह, हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة نستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الزمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المقمومين يا راهم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج الى التفسير صلي على محمد وآل محمد وافعل بنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم اجعلنا من الباقين في أزاء الحسين اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم احشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعلنا البيت مثابة للناس صلوا اجازت ہے جناب ٹائم تو زیادہ ہو گئے تے ٹھڈی ہے تے پر کھادا کھوایا حلال کرنے
बावे होनी दा हुक्म है। हालांकि पहले कोई कमी कोई नहीं रह गई, सारा दिन दी मजलिस च जेड़े पहले पढ़ गए वही मेरा ही अकीदा। मैं अपने अकीदे दियां दो चार बातां तुहाडे ते पहुंचाउणी। अल्लाह वक्त याद करवाए अपने हबीब को। मेरा रसूल वेला तो याद कर जब हमने काबा को सवाब के काबिल बनाया। जब हमने काबा को सवाब के काबिल बनाया। आयत द मिजाज दसेंद है जो एक वक्त हा काबा हा सवाब दे काबिल ना हा। वो कदा थे सवाब दे काबिल वोलेद अली फी जौफे ही अमीर कायनात दी आमद थी काबे दे सेंटर च। ईमान अकीदा अपना होंदा है वो होंदा है जो दिल कबूल करे तस्लीम करे अपना रखे नजरिया अपना रखे अकीदा अपना रखे हिसाब किताब अपनी कबर अपनी भी हिसाब किताब सवाल जवाब सारे आपने बने नहीं। लेकिन घर वन के बिस्तर ते करवट सिलसिले सोचे जरूर बगैर अली दे काबा सवाब दे काबिल नहीं। तेरिया नमाजा कितों सवाब काबा किबला बनाए ताली दी वजह तू। ये अक्सर ना सादात को ते जाकरम मौलवी को लोग आदन किबला साहब किबला साहब साढ़ संग दे हो लेकिन उनको साढ़ संग दे हो यदि दिल इच अली द शक ना हो। क्योंकि काबा भी किबला बनाए ताली दी वजह तू। मोमिन दी हुरमत मोमिन दा एहतराम मोमिन दा मकाम मैं नहीं मौला पे फरमान इनके काबे से भी बरतर रहे। काबे दी दीवार ते हाथ रख के मेरे पंजवें इमाम फरमाए कि का मोमिन का एहतराम काबे से बढ़कर है। मौला काबे तो किवें वध के फरमाए काबे ते त्रै दिहां वास्ते अली आए ते जिथा 24 घंटे बैठे है। काबा किबला बने अली दी वजह तू काबा सवाब दे काबिल बने। अली है तो सवाब है अली कोई नहीं तो सवाब कोई नहीं। सब कुछ सवाब वास्ते काबे तो मुंह करना पौंदे काबे को सवाब वास्ते हसनैन दे बाबे तो मुंह करना पौंदे। मुसरत पेर तुराब ते होवेन तो मुंह काबे दो करना पौंदे पेर काबे ते होवेन मुंह अबू तुराब दो करना पौंदे। व अमना व तखज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला हमने हुक्म दिया इब्राहिम को कि यहां पे नमाज की जगह बना। तुहाडी समात बाण नहीं देंदी। हमने हुक्म दिया चूंकि ज्यादा नहीं पढ़ना ना इस वास्ते कोशिश है भी जेड़ा पढ़ूं सुथरा पढ़ूं अगे आइटम बम सुनी बैठे हो तो सा मौला उन्हें हिफाजत करे। हाँ मिशन जो हिक है हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि यहां पे नमाज की जगह बना। ये नहीं कहा गया इब्राहिम से कि नमाज पढ़। हालांकि पहला हक तो ऊंदा हा ये बनाए तो बत भी अल्लाह के नहीं जगह बना पड़ से बे मैं बनाऊं सही पढ़ू नहीं। फरमाया अभी रूहे नमाज को तो आने दे काबा सवाब दे काबिल बना ली दी वजह तू नमाज दे काबिल बना। तावी बंदे पुछदे जी किथे नमाज पढ़ू ते किथा न पढ़ू
زمین دے کچھ بابا جی حصے ایسے ہیں جتھے نماز نہیں ہوندی جیڑی جگہ تے جیڑی زمین دا حصہ جیڑا آباد نہ کرے نا جیڑی فصل نہ دے وے بنجر ہووے اتھے نماز نہیں ہوندی اللہ اون جھاتے ہی نماز حرام قرار دیتی ہے جہاں جھا علی و ولی اللہ نہیں پڑھا چونکہ بنجر زمین بنجر بنی تا ہے جو ہی ولایت نہیں پڑی اتنے بندے لسٹ پڑے نے ولایت والا ذاکر نہیں ولایت والا مولوی نہیں پڑھاونا ولایت والا ذاکر نہیں پڑھاونا ولایت والا فروٹ ہی نہ کھادا کر ولایت والا پانی نہ پیتا کر کائنات دی ہر او شے جیندے وچ اللہ اثر رکھا ہے رکھا وی علی دی ولایت دی وجہ تو ہے مزہ کا میدان ہے قیامت پانی منگسن پانی نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیزو علینا من الماء او ممر رزقکم اللہ ہمیں یا پانی دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیں دو اتھا علی کو لہن منگ دے اتھا علی دے نوکر کو کھڑے منگ دے حسین اگو اللہ اکسی ان اللہ اگو اللہ جواب دے ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں امیر کائنات دے دشمن تے پانی بھی حرام ہے امیر کائنات دے دشمن تے کھانا بھی حرام ہے گھبرا تو نہیں گئے میرے صاحب محترم بنے تو علی دی وجہ تو نماز دے کعبے مسجد قبلتین موجود ہے مدینہ منورہ کول مسجد قبلتین ہے نا قبلتین دے مطلب ہے دو قبلہ علی مسجد اچھا اے نہیں بھئی ہک نماز رسول انتے پڑھی تھی بھئی انتے پڑھی نہ ہکا نماز ادھی انتے منہ کر کے پڑھی درمیان اچ حکم آیا ہن علی تو منہ کر کیڑے پاسے منہ کر علی والے پاسے بابا جی پتہ کیڑے انداز وچ اللہ حکم دتے فرمایا وَذْكُرْ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا میرا حبیب اپنے رب کا اسم پڑھ ہر چیز کو چھوڑ بس اسی کا ہو جا پوچھ دینا بھی کئے آنکھے کئے آنکھے علی و ولی اللہ پڑھو اللہ آنکھے اور میں ممبر دے کھڑ کے کھڑا دا اساں ولایت بچاون واسطے علی ان ولی اللہ نے پڑھ دے اپنی توحید بچاون واسطے پڑھ دے ہیں اساں عقیدہ رسالت بچاون واسطے ولایت پڑھ دے ہیں ولایت بچاون واسطے ہور کام کرنا پوندے ہاں اوہی دساں ولایت بچاونی ہے نا ولایت بچاونی ہے نہیں ارادہ تو نہیں وہ ٹھیک ہے ولایت بچاون واسطے بھی یہ کام کرنا پوندے میرا پنجواں امام ہے لا تقبل الولایت الا بالبراء ولایت اتنے تے قبول نہیں تھی دی جتنے تے سارے دشمن تے لعنت نہ ہوے کیا ہے مسلمان علی کے دشمن علی کے لباسوں میں ڈال رہے ہیں خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لباس محنت ہے محنت ہے پانی پی رہے ہیں منافق چل رہے ہیں اور علی کا کھا کے علی کو پھوکے جب تیرا سر ہے تو گندا بننا تمہارے جیسے کروڑے کتے علی کے دشمنوں میں بن رہے ہیں مولا ان کی زندگی کرے مولا تو کوئی وسطہ رکھے
अच्छा जो ना है चार पांच बंदे पहले भी पढ़ गए थे बाद में खमसा भी अलामा से पढ़ने ये सिर्फ तुम्हारे यकीन दे इजाफे वास्ते वगरना कोई किसे नू अली दे नहीं संगदा जब तक ओ न देवे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया वलौला अन हदाना अल्लाह परवरदिगार ये तो तेरा एहसान है कि तूने हिदायत की अगर तू न करता तो हमें कौन हिदायत करता समझ आ रही है मेरी सिर्फ थोड़े यकीन इजाफे वास्ते बात कर रहे हैं वस्कुर इस्म रब्बिका अपने रब का इस्म पढ़ मोहम्मद रब कौन है बोलो अल्लाह अल्लाह रब्बुल अरबाब वैसे तो रब्बा दा रब है अल्लाह और मुतलक रब सिर्फ अल्लाह दी जात है रब मुतलक जेड़ा है और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी जात है बाकी इजाफे नाल रब जिवें सरकार अब्दुल मुतलब फरमाया है कि मैं तो उठां दा रब हां अना रब्बुल इबले होवा रब्बुल बैत वो अपने घर दा मालिक आप घर संभले सी मैं तो इना उठां दा रब हां हाँ? अपने रब का इस्म पढ़ व तबत्तल इलैह तब्दील हर चीज छोड़ उसी का हो जा ये रब दा इस्म कौन है रब दा इस्म अल्लाह गिला कीता शिकवा कीता पिंडी गेब वाले सूरह बकरा च फरमाया वमन असलम मिम्मन मान आ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फी हस्महु वसआ फी खराबहा उससे बढ़कर अजलम कौन है जो मसाजिद में खड़े होकर लोगों को अल्लाह के इस्म से रोकता है इन मतलब कोई तो रुकैंद है बोलो कोई तो रुकैंद है ना अगर नहीं रुकैंद तो अल्लाह क्यों आख है और रब दा इस्म कौन है चलो मैं तेरी मन गिनसा अगर तू आख अल्लाह रब दा इस्म है तो बात मैं तू मस्जिद लिखा जिथा कोई अल्लाह तू रोके रहमान रहीम अल्लाह दा इस्म है तो मैं कोई मस्जिद लिखा जिथा कोई ईदे तू रोके मैं कोई कायनात आलम कोई मस्जिद लिखा जिथा कोई अल्लाह अकबर तू रोके सूरह फातिहा तू रोके भाई सूरत तू रोके सुबहान रबी अल अजीम तू रोके सामी अल्लाह लिमन हमीदा तू रोके सुबहान रबी अल आला तू रोके बिहौलिल्लाह तू रोके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तू रोके अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तू रोके नमाज तो सारी में गिण के सुना छोड़िए तो अकू कायनात आलम च ना ही कोई अल्लाह अकबर तू रुके दे ना फातिहा तू ना भाई सूरत तू ना सुबहान रबी अल अजीम तू ना सुबहान रबी अल आला तू ना सामी अल्लाह तू ना बिहाउलिल्लाह तू ना ला इलाहा इल्लल्लाह तू ना मोहम्मद रसूलुल्लाह तू ये हर रुकैंदा तो अलीयुन वलीउल्लाह तू है हूं तय कहनी मननी है अपनी मननी भी या रसूल दी मननी भी रसूल दी मननी है रसूल रसूल नमाज इच्छे कामर रकू तालर रकू रकू तवील हो गया खड़ा रकू इच्छे जितने तई अली नमाज इच नहीं आया बाबू जी गल है मोहम्मद मुस्तफा वो है जो अली दा भी मौला वो आका है साढ़े तो इल्जाम है कि अली को अल्लाह सड़े ने हमने 14 में से भी किसी को अल्लाह कहना होता ना तो हम मुस्तफा को कहते मैं अपना अकीदा बयान कर रहा कि 14 चू कोई खुदा होता ना अली वत भी ना होता मैं खुदा को सदा हाँ अली जी जुत्ती चा बांधे अफजल कौन है जनाब रिसालत माफ लेकिन एक गल जहन च रखनी है कि बा एतबारे नबूवत अफजल नहीं बा एतबारे विलायत अफजल है अगर असा ये आखू भाई चुके रसूल नबी है ते अली नबी नहीं
ہاں بابا نبی تا آدن خبر پہنچاون والے کو خبر زیادہ ضروری ہوندی ہے خبر علی ہے رسول آدن پیغام پہنچاون والے کو پیغام زیادہ اہم ہوندا ہے پیغام علی ہے بات سمجھ نہیں آ رہی میری با اعتبار نبوت اور رسالت افضل نہیں چونکہ میرا رسول ولی ہے انما ولیکم اللہ و رسولو اللہ ولی ہے رسول ولی ہے با اعتبار ولایت افضل ہے رسول علی تو تے ایک بہ زاویے نال میں سرکار دی فضیلت ثابت کرے نا تے اس زاویے نال اج تئی کہیں آواز کیتی نہیں جڑی میں کروں پتہ رسول کیوں افضل ہے علی تو وہ ہی واسطے علی کعبے چ پیدا تھے رسول ابو طالب دے ویڑھے چ پیدا تھے میرے عقیدے مطابق کعبے چ پیدا تھیونا وڈی فضیلت نہیں ابو طالب دے ویڑھے چ پیدا تھیونا وڈی چونکہ بسم اللہ چونکہ کعبے دے بارے میں سنے جو سجو کھبو بت ہیں ابو طالب دا ویڑا بتاں تو پاک اچھا افضل میں منی کھڑا نا کوئی بندہ اے ناک سی بے اے علی کو ودھا دیتا اس تے رسول کو گھٹا دیتا اس اے تو کوئی نہ ہی آکھ کوئی آکھے تو الزام تراشی ہے کوئی کسی دے منہ بند نہیں کر سکدا گل یہ ہے باس ادھر علی دے انتظار واسطے اللہ رسول کو کھڑاونا ہی ہے تو رکوع تو پہلے قیام ہوندے قیام وچ کھڑے دا اللہ اپنے حبیب کو جندے بارے یاد آئی زیادہ نماز نہ پڑھی کر کنا نماز کوئی موقع دیتا چا کر جو تے کو پڑھے علی علیہ السلام دے انتظار واسطے اللہ رسول کو رکوع وچ کھڑائے تالا رکوع رکوع طویل ہو گیا ستر دفعہ پڑھا سبحان ربی العظیم جب تک علی نماز میں نہیں آیا رکوع چلتا رہا نماز ختم ہوئی پیغمبر فرمائے یا علی دیر کیوں کیتی ائی اور این لہجے نال علی نال صرف رسول ہی بول سکدے اور میرا مولا علی رسالت معاف دا اتنا احترام کریں رہا کہ سیرت دیاں کتاباں وچ لکھا ہوئے کہ ساری زندگی میرے مولا کلام دی ابتدا نہیں کیتی دیر کیوں کیتی ائی سرکار بس وی آندے پیاں ہمیں جو مہمان آ گئے تے آسمانی مہمان ہیں اے بھی خدمت گزاری واسطے ہیں بجائے جو میں انہوں نے کوئی کرنا ہاں وہ میری خدمت کرن لگ گئے کیڑی خدمت تھال چاہی بدے ہیں پانی بھری بدے ہیں یا علی تیکو تا وزودی حاجت ہے نہیں چلو سادے واسطے کر چاہ ایک پانی سٹن لہا بیا تھال جھلی بیٹھا ہاں بیا خشک کرانا لہا اور میں پتہ ہی کون ہے پتہ ہی کون ہے جڑا پانی سٹے نہ بیٹھا اسرافیلا تھال جھلی بیٹھا ہاں میکائیلا تولیا بیٹھا مرین دہا سلسائیلا ترہان تیدے کھول چوتھا جبرائیل ہاں میرے پیر نپی بیٹھا اللہ پی یاد ہے جتنے تھی علی نماز جناوے کانڈ سدھی نہ کریں ہو گیا ملنگ بات کر اللہ کیا چاہتا ہے محمد دی نماز ہی ہوئے تو وچ علی ہوئے اور پتہ کیا اکسن یہ تو علی کا وجود تھا
अच्छा चलो ये तो चलो वजूद पाक आ हदीस नहीं के अकीके यमनी पाक पड़ी हुई हिक नमाज 70 नमाज अफजल है जड़िया बगैर अकीक दे पढ़िया गई हैं नमाज ही चो पत्थर आवे जाए अली पढ़ा हा नमाज नमाज 70 गुना वध वेंदी है ए दा पत्थर है अच्छा वत नमाज तो लकड़ते थी वेंदी है टिशू ते थी वेंदी है कागज ते थी वेंदी है हाथ ते थी वेंदी है सजदा लेकिन हुसैन दे शहर दी मिट्टी रखण दा क्या फायदा है हजार नमाज तो अफजल है ओ नमाज जेड़ी सजदागार रख के पढ़ी गई है ते हजार नमाजा उंदा बराबरी नहीं कर सकनियां जेड़ियां बगैर सजदागार दे पढ़ियां गई हैं घर वन के सोचे जेंदा इकरार करण वाला पत्थर नमाज ही चावे 70 गुना वध वने जेंदे शहर दी मिट्टी नमाज ही चावे जेंदे पुत्र दे शहर दी मिट्टी नमाज ही चावे नमाज हजार गुना वध वने ते नजफ दे फजाइल क्या है नजफ दे फजाइल च बात लिखी हुई है मेरा चौथा इमाम जनगी है ना करबला ताकि बात मामूलात मुताबिक बजा लेने से वो चौथा इमाम अब्बास इधर आए नजफ वाजिब नमाज पढ़ के मुसल्ला विलहटे चा मौला इतना न पढ़ सो फरमाया नजफ आ जो गए हैं कोई फायदा तो चाहूं मौला क्या फायदा फरमाया करबला भावे जन्नत दा टुकड़ा है जेड़ी पढ़ींदी है उहा लिखींदी है नजफ है मेरे डाडे अली दा शहर इत्था आके जवार साम वंगे उंदी नींदरी अल्लाह नमाज लिख दे ये ना इकरार करने वाला पत्थर नमाज ही चावे 70 गुना वध वने हम इजाजत पे गिनदन हमें इजाजत दीजिए हमने अली को ला हौल वाला कुवत अली दा ना गिनने वास्ते इजाजत गिननी ता अली दे मौला कोल गिन ना जी ये नाम हम उठा सकते नहीं उठा सकते बाबा जी आइमा अपनी जिंदगी च अपनी नमाज च अपने बदतरीन दुश्मनों दा नाम अपनी नमाज च आए अपने बदतरीन दुश्मनों दा नाम अपनी नमाज च आए हारिस बिन नौफल मलाउन दा नाम चाह के मेरे चौथे इमाम कुनूत च 35 साल लानत कीती है यानी चौथे इमाम दी नमाज च हारिस बिन नौफल जी मलाउन आ सकदे ते कुछ ज्यादा शौक हा सवाल करन दा तां वंज के तू पुछे आ के मैं नमाज च शैतान दा ना चाह सकना पुछे आ ना मेरी नमाज च फिरौन दा ना आंदे मैं एक सूरज पढ़दा हुंदा फिरौन दा ना आंदे फिरौन दा ना चाह सकना शदाद दा चाह सकना नमरूद दा चाह सकना असाबे काफ दे कुत्ते दा चाह सकना केड़े शर्म दा मकाम है जो तै ना फिरौन दा पुछे नमाज में अली और वली उल्लाह का इजाफा कैसा सवाल ही देखो ये इजाफा है नमाज इच अली दी विलायत इजाफा उकु लग दिए जेंदी विलादत इच इजाफी बंदे होवेन कैसे घटती पई है कोई नुकसान है तो दस यार सूरह फातिहा तो बाद एक नमाज ही पढ़िए सूरह कौसर उंदियां त्रै आयतें भाई पढ़िए सूरह बकरा 256 आयत है सवाब उही को ज्यादा थी सी ना या ज्यादा आयत पढ़िए उही को ज्यादा थी सी ना या 253 आयत दा फर्क पै वने तो सवाब ज्यादा है ते ओ अली जेंदा ना चावण दा सवाब 16,000 दफा खत्म है कुरान तो ज्यादा होवे सोलह हजार दफा
और ये बात ज़हन में रखा है मेरे दोस्तों, मैं इमाम दा फरमान किताब मेरी गड्डी मौजूद पई है, मौला पे फरमान पंजवी सरकार फरमान के अगर कोई तुहानू आखे ना कि फलां अमल करन दा ए सवाब है ते तुसा ओ सवाब समझ के ओ अमल करो, फरमान भावे ओ सवाब असा न डसा हो सी तुआ को ओ मिल सी। सोलह हजार दफा खत्म कुरान दा सवाब है जो ही के दफा अली दा ना चौथा। मैं सैयदा तेरी मिन्नत करन आया, जेड़ा कोई नहीं रोला कोई नहीं, मिन्नत है ते हाथ बन के मिन्नत है ते तेरे फायदे च मेरा फायदा है। अगर अपनी नमाज इच 32,000 दफा कुरान पढ़ना चाहना है ताली उन वली उल्ला पढ़ा कर। घबरा तो नहीं गए साहेबान, चलो ते नहीं पढ़ना तो कम अज कम जेड़ा पढ़ाई वो तो पचा ले, अगर किथाई तो पढ़ाई वो तो पचा ले, वो बचा ले, कहें को रोका न कर। अली अलैह सलाम तू रोका ते नहीं पढ़ना ना पढ़, किसे होर को रोका और तेरे रोकियां कोई रुक दई नहीं। मैं पहले गुजारिश की थी जिन्हों अल्लाह हिदायत करे अली दी वो नहीं रुकता अपने अमल। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ला अमालहुम, उनके अमाल जाया हो जाएंगे जो खुद भी इनकार करें और दूसरों को भी रोकें। बोला तो सलामत रखे ए हुसैन दी मखसूसी है जिन्हें मुंह चो आखिरी जेड़ा लफ्ज निकले ना वो इयो हा अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन। मैं हमेशा पहले पढ़दा आमी, इस दफा कोई हालात ऐसे बने कि मेरे भरावां दा ही हुक्म है कि तुसा एंड पढ़ो। थोड़ी जी मुश्किल शहादत है वो ए नहीं भाई हे नहीं, शहादत सहन दी इतनी है जो बंदा सोचें दे भी केड़ी पढ़ा। बाजार अली पढ़ा, दरबार अली पढ़ा, बड़ा औखा हा शाम 35 साल सज्जात को खून रोए, 1150 साल तो इमाम जमाना को खून रोए तो शाम शाम वो नगरी को आदन या को नहीं कोई शाम आदन। और बिस्मिल्लाह दा सवाब होवे ते दर्जात होवे बुलंद। अलामा नासिर बाद शहीद दे ए लफ्ज मैं उन्हां कोल सुने, बस बंदा ए लफ्ज सुने ते बस बंदा मर वञे, जिंदा न रावे मातम शातम करण नाल इन लफ्ज दा हक दा मुसरत होंदा नहीं। नासिर शहीद बाजार शाम च लफ्ज पढ़ाई कि यजीद कुछ रकासा औरतां को सदाया कैदी ऐन ते बाजार च नचो, रकासा औरतां बाजार दा माहौल दे के आदियन साडे नचण दा माहौल नहीं। जै बाजार च रकासा औरतां ही अपने वास्ते शर्म महसूस करें दियां हैं, उही बाजार च बहक टुरी अली दी धी। बीबी आदि ई चादरां नीवे देंदे तो रस्ता तो दे चाह, अल्लाह तोरी सोनी है कबूल करे। जेड़े अमल 14 वास्ते हैं ना जितने करीम हैं उतने थोड़े थी मैंने, 14 वास्ते जेड़े अमल हैं जितने करीम हैं उतने थोड़े खुट मैंने। यह वजह है कि सजाद आके की है बाबा तेरे रोवन का हक अदा नहीं होया, और जना सजाद शाम दे बारों पुफी को दफनाए फिजा का सजाद इजाजत है मैं तेरी मां दा मुंह वेखा ये जिथा समझी आई मैं रेधिया मी की में सुती हुई है, मैनू इजाजत दे मैं कबर इस तेरी मां दा मुंह देखा। सजाद दे जा वेख लै रोंदी हुई फिजा आलिया दी कबर च लथी ते मातम करेंदी हुई बह रही
तुहाड़ी तो नगरी भी मातम नाल मशहूर है। सजाद दे दस मां गल केड़ी कीती एस, मेरा पुत्र होर कोई गल नहीं सी कीती, हिक्का गल कीती एस, मेरो वेख्या दी अम्मा इत्थां तां मैं को रोवण तू कोई ना हटके सी। अम्मा मैं हुसैन को राज के रो ना संगी, इत्थां तां मैं को रोवण तू मना कोई ना करे सी। और देखो ये मोहब्बत मवद्दत वाले लफ्ज बड़े छोटे न, कोई आके ना हुसैन दी हुसैन नाल मोहब्बत आई, ना ना ना, मोहब्बत बड़ी छोटी होती है, मवद्दत बड़ी छोटी है। मेरी सैन हुसैन इच फना है, फना समझे ने हो बाबू जी, जिवें मछली पानी च फना है, पानी तू बाहर कढ़ो तो मौत है। मेरी सैन हुसैन इच फना, इतना इतना इतनी फना है कि भेण भेनावां दे मुसल्ले कट्ठे विच देन, ते भेण दी कोशिश होंदी है नमाज मुक्के मैं हुसैन को देखा, बिरा दी वर्दी होंदी है नमाज मुक्के मैं भेण को देखा। सजाद अच्छा ये जो आखिरी दफा सैन शाम छोड़े ना, ये छोड़ा नहीं छुड़वाया गया, छोड़ा नहीं ये सैन कोल आले मोहम्मद खानदान दी त्रै बीबियां बल्कि चार बीबियां मौत आप मंगी है। एक बड़ी सैन आप मौत मंगी है, असगर दी मां मौत आप मंगी है, गाजी दी मां, बतूल दे दुखे ने जो आदि अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती जल्दी मैं को मौत दे, असगर दी मां क्यों मंगीए मैं को छां ते ना वंजना पवे, ते गाजी दी मां क्यों मंगीए मौत, गाजी दी मां ही वास्ते मौत मंगीए, इवें सैन दी कब्र ते आ बैठी है, ते कब्र ते हथ रख के आदी बीबी, ते मैं अपने उस्ताद मौजम को सुने मारफत वाले लफ्ज़ इन किबला गज़नफर साहब को, बीबी मैं तहैया कीता हां अपने नाल के मैं गाजी को ना रोसा, पता नहीं क्यों मेरा आज दिल पिया थी दे मैं गाजी को रोवा। इस तो पहले जो मैं गाजी को रोवा मैं को मौत दे चा। और आलिया सैन दे बारे भी मैं अपने उस्ताद मौजम को सुने सरकार अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार दी कबर उठाई है ना शाम च, ये आखिरी सफर ही सरकार अब्दुल्ला ना लैन, सरकार अब्दुल्ला रस्ते च बीमार हो गए, ते मेरी सैन दुआ मंगी, मैंने अल्लाह वारे से हाके में ये मर गया ना एक रोमना पोसी, ते मैं रोमना छड़ा हुसैन को है। पिंडी गेब दे शरीफ मातमी हो ए ओ सैने, मैं अपने बुजुर्ग जाकरा को सुने ए ओ सैने जे अपनी शादी ते भी काला जोड़ा पत है, महरूमतुल मुसर्रत सैन को पूछा गया काला जोड़ा क्यों पतई, बीबी आदि मैं हुसैन नाल मदीना छोड़ने ते मत्ता हुसैन होन चाह के जो होन टुरना है, मैं को इतनी देर न लगे जो लिबास तब्दील करना पवे, और काले जोड़े जेने ना इन जोड़े नाल सहन को बड़ा प्यार है, सारी जिंदगी काला पाते और शाम दी शाम भी जना सजाद आखे ना मदास की मंगनी बीबी आदि काला जोड़ा। हुण तुसा सोचे सो बे काला या शादी ते काला पाता ही शाम इच हई काला, लेकिन पुरसा इतना मिला हा जो लिबास तरगी, बल्कि इतने ते हाफिज किफायत सैन दी किताब विच मैं पढ़े के मौला चौथे इमाम कोल कह पूछा मौला करबला में सुर्ख बुरके वाली कौन थी, फरमाया ओ मेरी फुफी ज़ैनब,
बोला तुहाडे पर्देदारां दे बुरके दा रंग दस्या है सुरख किवें होए सजाद मुंह ते मातम करके आदे अकबर कुहान नाल लाया हसी मेरी फुफी दे बुरके दा रंग ही सुरख हो गया बस भाई सहन दी छबी होंदी है औरतां च कोई नहीं होंदी मखसूसी है सहन दी ठीक छबी कोई होनी भी नहीं चाहिदी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਬਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੂ ਹੋਮਣੀ ਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਰਸ਼ ਦੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਮਾ ਏ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਦੇ ਪਏ ਉਹ ਜਾ ਅੰਮਾ ਏ ਮੈਂ ਕੋ ਖੂਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵੰਜ ਦੇਖ ਦੇਖ ਖੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਈ ਮਾਂ ਮਲ ਤੂੰ ਲੱਥੀ ਉੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਦੀ ਲਾਇਆ ਤੱਕ ਮੁਕਾਣੀ ਮਿਲਾਵਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਕਈ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਖੀ ਟੈਨੀਆਂ ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਏ ਪਰ ਮਸ ਕਰੇ ਨੀਲ ਪਰਵਾਦ ਕਰੇ ਨੀਲ ਵੱਤ ਪੱਖੀ ਛਾਣ ਕੇ ਮਾਰਵੇ ਨੀਲ ਮਾਮਲ ਤੁਲਾਂ ਦੀ ਆਈਏ ਤੇ ਕਰ ਬਲਾ ਦਲੇ ਕਹਿ ਦੀਏ ਪੱਖੀ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਣਾ ਸਾਦਾ ਤੂੰ ਮੁਮਿਨੀਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਕਨੂਤ ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਿਨ ਤਮੀਮ ਤੇ ਜੇ ਸੈਣ ਕੋ ਪੁਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕਤ ਉਲ ਹੁਸੈਨ ਬਣ ਤਾਂ ਸੰਗਦੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਮਾਲਕ ਦੀਦੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਚੁੱਚਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਹੁਸੈਨ ਤੋਣੇ ਤੇ ਕੁ ਸਕੀਨਾ ਤਾਂ ਛੁੜਵਾਇਆ ਆਲੇਕ ਭੇਣ ਦੇ ਛੁਣਾਵਣ ਲੱਗੋ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਿਨ ਤਮੀਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਂ ਨਾ ਰੱਖਾ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸੈਣ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਿਨ ਤਮੀਮ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਾਏ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਰਿਸ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਸੱਜਾਦ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਸੱਜਾਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਨੇ ਸਯਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਸਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੀ ਆਈ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੰਦਾ ਦਾ ਵੇਲ ਸਮਿਆ ਜਦਾਂ ਗਾਲੀ ਜੀਂਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ
सजा दीवे आए दीवे जीक ते पानी आले मात नजर पईने बाबा जी मेरे इमाम ओवेन कीता जेड़ा करबला मक्तल च नहीं कीता जेड़ा शाम नहीं कीता जेड़ा वापस मदीने आके सैयद नहीं कीता जेड़ा चाचे मुहम्मद अनफिया दे गाली च बई पाओ के नहीं कीता जेड़ा नानी उम्मे सलमा दे गाली च बई पाओ के नहीं कीता क्या वेना मां तो देख के खड़ा दे मेरा अल्लाह अज मैं यतीम हो गया ओ मेरे सारे देवन आली सम गई है खुदा न करे कहे ना कोई रिश्तेदार मर जाए प्यू मर जाए या मां मर जाए पहले तो बंदा राज के रोंदा है उंदे बाद थोड़ा तवक्कुफ करें दे अबाशा जी घड़ी दे दे वद सुचें दे जनाजे दा टाइम केड़ा रखा मां दे देख खड़ा दे तेरे जनाजे जो राती चावा तेरे कहे आवणे अले तेरे पेके नेड़े नहीं वसले बीबिया दिए कहे कु नक्सद मैं कु गाली साड दे सच्चा करबला दमु कर क्या दे चाचा गाली सैन मर गई आई अब्बास कबर छोड़िए प्यो पुत्रा तो देख के आ दे उठी छोड़ मजार ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਜੁਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਥੱਕ ਪਏ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸਜਾਦ ਜੋ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ जनाजा पढ़न तू पहले कहले सजे दे दे कह वेले खबे ले दे बाकेरा दे बाबा कहंदा इंतजार करे ने सैयदा दे जनाजे को देख के मैं को कोई भी आ जनाजा याद आओगे केड़ा जनाजा फरमेनन बाकेर 50 हिजरी 28 सफर मदीने दा शहर तेरे दादे हसन दा जनाजा बाबा केड़ी गल रोंदी आई फरमाने मेरा बाबा हुसैन भावे इमाम हां जनाजा पढ़न तू पहले पीछा मुंह करके पहली सफ विच खड़े कासिम कोल पुछदा खड़ा कासिम इजाजत दे तेरे पियो दा जनाजा पढ़ा सैयदा ने मैं सुचेंदा खड़ा मैं कहंदे कोल पुछा ओ मेरी मां दी नसल मातम कर रोकया दे बीमार ते औखी बन गई है तुहाडे ते ताता ही मातम दिए पहाड़ आले मेरा अकबर वीरण आवे आ तेरे पालन वाली मर गई है सजाद मां नाल जेड़े हलके दे मातमी हो इवें बैठा है ਇਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲੀ ਮਾਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਦੇ ਰਈਏ ਰੁਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੈ ਕੋ ਦੂਰ ਬਿਰਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੀਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਫਨਦਾ आखरी वैन अब आओ दे मैं मोहम्मद सजादा रे आ नाना धी सुन्यान दूजे नंबर ते मैं रहे उन नबी आई मैं बतूला आदारी धी को लुखां दे हाल पूछ त्रीजे नंबर ते मैं रहे पिंडी के बाले हो नबी ते बतूल अली अली दना
मैयत कम गई है अदियत सजाद मैं शाम तई तेरे कोल काछे नहीं मंगी हुण पैया दिया बाबा गे मेरे कफन दे बंद बन छोड़ सजाद बन खड़ा बने दे अली दा मथा मैया त्या लगे तेरे काजी पीर दी जिंदगी विच तेरा फलक ने वेखिया साया मैं सिकदा तुरिया दुनिया तू तै मेरे नाल आलाया हौसला सैयद हौसला सैयद हौसला हौसला सैयद हौसला तै को नपई लगती होसी शुक्र है तेरे कहे हाथ नप की देन मैनू पता है सैया दे झांग दा सैया दे अपने मुंह ते पिया मरे नावे तेरे कहे हाथ नप की देन अरमान सकीना दा ये कुमार नाले दे हाथ दा दैन बीबी दे हाथ बथे होए आखरी वैन पिंडी घे वाले वत हसन आए वत वाले मैं हुसैन बीबी आदिये सजाद जल्दी कर मेरे बंद खोल मुंह दिखावा नहीं हुसैन आगे मेरा सर दिखा बाबा जी आज जरी ते सोना लगाओए लेकिन रोवन आले सोना देख के रोने मैं तुहाडे मातमी हत्थां कोल पुछदा हुसैन भेण दे जखम मौत मुरा क्या दे भेण दस कौन मरे दारी आई मैं कहदा कहदा ना चावा मैं को हर कोई पत्थर मरे दा बिया जाम शराब दा पीदा लेम तेरी भेण दे नाले आले दा मातम हुसैन मेरे बेटे इत मलंग सैयद मैं दुआ मंगना जी ओ तुहाडी हयाती होवे या अली या अली اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ولا باي في هذا الصف كل ساعة سعاد من الليل والنهار وليا محافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ارضك طوعا وتوفيا طويلا يا رب محمد وآل محمد يا من الله صغيرا كبيرا گناہ معاف فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما برے اعمال محفوظ فرما حج جواری نصیب فرما بے اولادن اولاد نرینا عطا فرما جنہاں دی اولاد حیاتی دراز فرما بیماراں نوں صحت عطا فرما جے مسافراں دے سفر جلتا ہے فرما ہر مومن دا مقصد روح شرا منظور و مقبول فرما حق دا بول والا فرما امام زمانہ دا ظہور جلد فرما مذہب آل محمد نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دشمنان آل محمد نو ذلیل و رسوا فرما علماء حق دا سایہ قائم فرما علماء سوت محفوظ فرما مستورات نو شرم و حیا عفت عطا فرما نوجواناں نو توبہ دی توفیق عطا فرما جڑے مومنین مومنات ہو دن سارےاں نو غریق رحمت فرما درجات بلند فرما کریم اللہ پوری دنیا تے امن قائم فرما خصوصاً پاکستان